नमस्कार जी। अभी सोलिस जो ब्रांड है ये जापानी टेक्नोलॉजी से बना हुआ ट्रैक्टर है। ये टेक्नोलॉजी से पूरी तरह लैस है। इस ट्रैक्टर की बात करते हैं, इसके अंदर जो मॉडल वाइज हम बात किया जाए तो 42-15, 45-15, 50-15 और 60-120 करके जो ट्रैक्टर आते हैं। इस ट्रैक्टर की जो अभी खूबियाँ के बारे में रूबरू होते हैं, हम सबसे पहले इनकी जो बात करते हैं ट्रैक्टर की, जो आप देख सकते हैं जो स्पेस है और ये चढ़ने के लिए जो हैंडल है, और इसके बारे में जो हम बात करते हैं ट्रैक्टर की स्टीयरिंग की, तो इसमें जो स्टीयरिंग है एकदम स्मूथ स्टीयरिंग बना हुआ है। अब बहुत कंफर्ट है। और इसके बारे में जो ये लाइट का जो स्विच है, इसको देख सकते हैं आप, कार की तरह है, एकदम स्मूथ है, लग्जरी गाड़ी की तरह है। और फिर इनके जो पार्किंग स्विच आप देख सकते हैं ये। और इसके बाद में हम इनके जो क्लस्टर की बात करते हैं, इसके अंदर जो क्लस्टर है ये बहुत ही अच्छा बना रखा है। इनके अंदर आप देख सकते हैं फ्यूल का जो है, उसके बाद में आरपीएम का है, उसके बाद में आप जो सर्विस इंडिकेट आता है इसके अंदर, इसी के अंदर सर्विस इंडिकेट, फिर एयर क्लीनर का जो है, एयर क्लीनर सॉकअप होता है उसका इंडिकेट लगता है, और भी बहुत सारे इसमें बैटरी का है, आयल का है, टेम्परेचर का है, उसके बाद में हम बात करते हैं आयल प्रेशर का है, फिर इसके अंदर इसके साथ साथ में टाइम भी आता है कि हम जो क्लॉक की भी ज़रूरत नहीं रहती है, अभी टाइम भी आता है। इसके बाद में ये चार्जिंग का जो सर्किट दे रखा है, यहाँ पे हम मोबाइल चार्ज भी कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में ये स्टार्टर स्विच के साथ में ये जो है, ये स्विच है हमारा, इसके अंदर जो क्लॉक जो होती घड़ी है, इसका जो टाइम को आगे या पीछे करने के लिए किया जाता है। हम फिर हम बात करते हैं इसके गियर की, जो गियर जो है इसमें बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी का जो गियर दे रखा है, इसके अंदर जो 1, 2, 3, 4, 5 जो गियर दे रखा है, उसके बाद में यहाँ पे इसकी रेंज है एल, एच और आर, जो रिवर्स का जो है, रिवर्स लो और हाई का जो रेंज दे रखा है। उसके बाद में हमें ये 4WD लीवर दे रखा है, ये आप देख सकते हैं 4WD का और 2WD का जो लीवर है, ये हो गया आपका 4WD और लीवर है 2WD। फिर उसके बाद में ये वीडियो का जो है लीवर दे रखा, बहुत स्मूथ लीवर है। उसके बाद में यहाँ पे इसके सेफ्टी के तौर पे न्यूट्रल सर्किट दे रखा है, आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल सर्किट है, और यहाँ डिफिस्टिक गेज दे रखा है जो आयल का लेवल चेक करने के लिए, तो यहाँ पे जो डिफिस्टिक गेज है इसको कवर कर रखा है, इसमें यहाँ ऐसे करके उसको लगा रखा है। और फिर जो यहाँ पर स्पेस है, बहुत ही वो बढ़िया स्पेस दे रखी है। फिर जो एक्सीलेटर की बात करते हैं, तो एकदम फुट वाला जो एक्सीलेटर, ईजीली कार की तरह एक्सीलेटर दे रखा है। फिर जो ब्रेक्स है, इसमें OIB जो ब्रेक्स है, फिर ये हैंड एक्सीलेटर है, ये भी एकदम स्मूथ दे रखा है ये। फिर इनके जो ग्लास है, जो साइड ग्लास है, ये भी आप देख सकते हैं एक अलग डिज़ाइन से और अच्छे से बना रखा है। फिर हम जो लीवर की बात करते हैं, DC एंड PC लीवर, तो आप देख सकते हैं ये DC और ये PC लीवर है, और ये आपका DC लीवर है। अब इसका जो शानदार लुक है, इनके साथ साथ में ये डीजल टैंक के जो लॉक है, इसमें डबल लॉक दे रखा है कि ये है, और इसके नीचे और लॉक भी दे रखा है। इसके साथ साथ इस ट्रैक्टर की खूबी में ये 5 साल की जो वारंटी भी देते हैं, साथ साथ में इसके जो LED लाइटें आप देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत और शानदार लाइटें हैं। इसके साथ में जो ये गाइड दे रखा है, जो गार्ड दे रखा है, इसको भी बहुत मजबूती से बनाया हुआ, और इसके ऊपर रबर भी लगा रखा है। आप इसको पीछे की फ्रंट साइड में देखते जाए तो LED लाइटें देख सकते हैं आप। इसके जो थ्री पॉइंट बैकेट आप देख सकते हैं, इसके अंदर भी बहुत अच्छी खूबी बना रखी है इन्होंने, क्योंकि इसमें सॉफ्ट हार्ड मीडियम के भी दिए हैं। उसके साथ साथ में यहाँ पे जो पिन लगा के ये जो दिया है, ये भारी इक्विपमेंट जो इम्प्लीमेंट होते हैं उसके लिए भी यहाँ पे आप पिन लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर जो पिन दिया है, 3 पिन दे रखा है,